सोचना है, अगर मेरे मेहनत दिल से की है, मेरे मेहनत में सच्चाई है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, मुझे वोट दीजिए और भारी से भारी मात्रा में मुझे जिताइए और मैं विकास करूंगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। केवल आप ही के मतलब कि रैली में जय श्री राम का नाराम देख रहे हैं। जय श्री राम कोई धर्म के नहीं है, इसको आप धर्म से मत जोड़िए। जय श्री राम इस राष्ट्र के प्रतीक है और महात्मा गांधी ने राम राज्य जिंदाबाद। हमें विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, कुछ अच्छा लाएंगी रक्सौल में, बदलाव लाएंगी। अब हमारी बारी है, बारी सब पे भारी है, अब हमारी बारी है। 4 नंबर का बटन दबाइए और रक्सौल के विकास का रफ्तार बढ़ाइए, क्योंकि विरोधियों का बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, क्योंकि हर घर में हाई प्रेशर कुकर। जिंदाबाद जिंदाबाद। रक्सौल का नेता कैसा हो? जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्या यह वोट में तब्दील हो पाएगा? जी बिल्कुल, रक्सौल के सभी सम्मानीय जनता को बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं एक संकल्प के साथ आगे आ रही हूँ, 1 साल से निरंतर सेवा में लगी हुई हूँ और मैं अपने जनता को विश्वास दिला चुकी हूँ कि मैं आपके प्रतिनिधियों तक करके रक्सौल का विकास कर सकती हूँ। अब आप लोग को सोचना है, अगर मेरे मेहनत दिल से की है, मेरे मेहनत में सच्चाई है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, मुझे वोट दीजिए और भारी से भारी मात्रा में मुझे जिताइए और मैं विकास करूँगी। भागवा ही भागवा आपके जन सैलाब में दिख रहा है, आगे कारण क्या है? ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का राष्ट्रवाद है। भगवा का मतलब उदय है, भगवा का मतलब उदय है, भगवा का मतलब भारत है, भगवा का मतलब हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है, राम राज्य है। भगवा का मतलब है कि जिसके अंदर सभी लोग सुखी रहें, सबके पास विकास पहुंचे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सपना था कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा, भारत की आज़ादी सफल नहीं है। तो मैं एक छोटा सा भारत का कार्यकर्ता हूं, भारत माँ का बेटा हूं, रक्सौल का बेटा हूं, मिट्टी का कर चुकाना है। और मैं पति पत्नी दोनों ने संकल्प लिया है कि रक्सौल को एक नया रक्सौल बनाना है। इसके लिए मैं देख रहा हूं कि 2014 में जो पूरे देश में लहर था, वैसी लहर रक्सौल में आज दिखाई दे रही है। और मैं तो मात्र 20-25 आदमी के साथ एक साधारण सा जुलूस लेके चला था, लेकिन लोगों ने रोड में आकर इतना लोग हमको समर्थन दे रहे हैं कि मैं अभिभूत हूँ। और भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं रक्सौल का कर्ज उतार सकूं, रक्सौल का विकास कर सकूं। रक्सौल जो बदनाम है बुचड़खाना के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, उसको दूर कर सकूं। वंदे मातरम, वंदे रक्सौल, वंदे मातरम, वंदे रक्सौल। जनता से बहुत समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने मेरे लिए मन्नत मांगी है, इससे बड़ा समर्थन और कुछ नहीं हो सकता है। तो सिर्फ मैं अकेले सभापति नहीं बनूंगी, रक्सौल के हर एक व्यक्ति सभापति बनेगा। 4 नंबर का बटन दबाइए और रक्सौल के विकास का रफ्तार बढ़ाइए, क्योंकि विरोधियों का बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, क्योंकि हर घर में हाई प्रेशर कुकर, हर घर में हाई प्रेशर कुकर। और देखिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान ने हमें प्रेशर कुकर सिंबल दिया है। ये वो सिंबल है जो हर नारी के घर में है। आप पूछ सकते हैं प्रेशर कुकर जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है ज्योतिराज, मतलब आप लोगों के दिल उतरे एक खड़ा? हाँ जरूर जीतेंगे, हम सब करते हैं जिंदाबाद, हम सब में सलाम के साथ प्रेशर कुकर जिंदाबाद। हमें विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, कुछ अच्छा लाएंगी रक्सौल में, बदलाव लाएंगी। अब हमारी बारी है, बारी सब पे भारी है, अब हमारी बारी है, बारी सब पे भारी है, अब हमारी बारी है। देख सकते हैं किस तरह से नारी दल, सारी नारियां कह रही है कि इस बार हमारी बारी है और कुकर नारी शक्ति भारी। आप देख सकते हैं किस तरह से सारे लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। केवल आप ही के मतलब कि रैली में जय श्री राम का नाराम देख रहे हैं। जय श्री राम कोई धर्म के नहीं है, इसको आप धर्म से मत जोड़िए।
जय श्री राम इस राष्ट्र के प्रतीक है और महात्मा गांधी ने रामराज की कल्पना की थी वो रामराज जहाँ सभी धर्म के लोग सभी समुदाय के लोग शांति से रहे सत्य सनातन संस्कृतियों को अपनाते हुए पूरे भारत में इसका रामराज का डंका बजेगा और हर अंतिम व्यक्ति को न्याय मिलेगा। वंदे मातरम, वंदे रक्षक।